इतनी टेस्टी और डिलीशियस शायद आपने कभी खाई होगी। सिर्फ 5 मिनट में ये टेस्टी लड्डू घर के बचे खुचे चीज़ों से बनकर तैयार होता है। आप अक्सर घी बनाते होंगे मलाई से, तो उसकी जो बची हुई इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं उससे ही हम बनाएंगे। इसमें ना तो हम तेल डालेंगे ना घी। देखिए, हम घी ने हमने गरम कर लिया। घी को आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, यानी एकदम लाल और ड्राई नहीं करना है इसे। जैसे खोए का कलर आ जाए तब आप घी को अपने ठंडा करके निकाल लीजिए। टेम्परेचर हाई रहता है तो ये धीमी धीमी पूरी तरह से लाल हो जाती है, तो आपको जब ये गर्म रहे तब कढ़ाई को किसी कपड़े से पकड़कर छन्नी के द्वारा घी निकाल लीजिए। पर जो घी है उसे बहुत प्रेस मत कीजिएगा खुरचन को। और इसी कढ़ाई में हम बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कढ़ाई जले ना, फ्लेम को एकदम लो रखिए। और इसमें हम 1/2 कप बादाम को 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप राइस फ्लोर। और राइस फ्लोर को आपको ध्यान रखना है, नीचे जो पोर्शन थोड़ा सा मावा का चिपका है उसे अच्छे से हिलाते हुए लो फ्लेम पे आपको इसे 4 से 5 मिनट भूनना है, ताकि इसमें एक सौंधी सी खुशबू आने लगे और ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाए। जो इसमें आपको अभी गुठलियाँ दिख रही हैं, जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे पूरे रवे अच्छे से तैयार हो जाएंगे और हमारे जो कढ़ाई है वो पूरी तरह से छूट जाएगी। जो खुरचन के साइड्स में लगे हैं वो भी इसी चावल के आटे में आ जाएंगे। इसके बाद हम ठंडे होने के बाद थोड़ा सा क्रश करेंगे, माइल्ड क्रश करना है, जिसमें कुछ आपकी जो बादाम है वो खड़े रहेंगे और कुछ आपके पीसेंगे। तो इसको पार्शियली हमें ग्राइंड करना है और अपने चावल के आटे को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और जब हम इसे भून लेंगे तब इसमें हम 1/2 कप अभी जागरी डाल रहे हैं, और 1/2 कप हमें और जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालेंगे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना डालूंगी उतना मेंशन कर दूंगी और बताती जाऊंगी। अब हम जब हमारा गुड़ गर्म हो गया तो हम खुरचन डालेंगे। देखिए, खुरचन को भी आपको कड़छी से दबा दबा कर मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से हमारे चावल में मिक्स हो जाए आटे में, और इसे हम फटाफट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो अपने नारियल खुरच के डाल सकते हैं, या तो आप नारियल का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने देखे काफ़ी अच्छे से इसे भून लिया। इसके बाद हम क्रश अपने बादाम डाल दे रहे हैं। बादाम देखिए थोड़ा सा क्रश हुआ है और कुछ पोर्शन खड़े हैं, इन्हें इसी तरह रहने देंगे क्योंकि क्रंच आएगा जिससे हमारे लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसमें हम किशमिश डाल देंगे और थोड़ा सा रोस्टेड तिल डालेंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। बाद में हम 1 बड़े चम्मच मलाई डालेंगे और मलाई को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि लड्डू का टेस्ट और अच्छा हो सके। फिर जागरी हम 1/2 कप इसमें और डाल दे रहे हैं ताकि इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए। मिठास 1/2 कप में कम थी तो हमने 1/2 कप और डाली है। शायद फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि मैंने 1 कप इसमें डाला था कोकोनट पाउडर, उसे भी डालकर आप मिक्स कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं डालना तो विदाउट कोकोनट पाउडर। देखिए, हम इसे कोशिश कर रहे हैं बांधने के लिए लड्डू, पर लड्डू बंध नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर के 2-3 चम्मच इसमें मिल्क लेंगे जिससे ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो सके। बहुत छोटी चम्मच से ले रहे हैं, यानी जितना हमें ज़रूरत हो उतना लें। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ करके हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप प्रॉपर दबा दबा कर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि लड्डू बन रहा है। अभी काफ़ी गर्म है इसलिए आप बिल्कुल टच मत कीजिएगा। जब हम थोड़ा सा इसमें दूध डाल देते हैं, अगर दूध ना हो तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं,
और उसके बाद फटाफट इसके लड्डू बना देंगे। बहुत ही सॉफ्ट और रवेदार टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे, जिसे आप 2 से 3 महीने भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से इसे हमने भूना है। ये लड्डू अक्सर पश्चिम यूपी में यूज़ करते हैं शादी ब्याह के समय, इसे ढूंढी भी कहा जाता है, पर थोड़ा ज़्यादा मावा नहीं सॉरी खुरचन और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने के कारण ये इसका स्वाद मावे से भी ज़्यादा टेस्टी है। और ये लड्डू फटाफट हम बांटते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये लड्डू ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार आप इस तरह के लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। थोड़ा हल्का गर्म रहे तभी इस लड्डू को बांधिएगा, तब आपका लड्डू बहुत अच्छे से बन जाएगा। हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं और देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही टेस्टी हैं, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हैं। अगर आपको पसंद आया हो, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।